When we think of the 99 names of Allah, none stands for force and violence. Allah is Rahman and Rahim. वेलकम दोस्तों, कल ट्विटर पे एक हैशटैग अरेस्ट अनुज करके ट्रेंड कर रहा था, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करा था, आप खुद देखिए। उसके बाद ट्विटर हैंडल पे बहुत लोगों ने नाराजगी जताते हुए पुलिस को कंप्लेन करने की कोशिश करी और मीडिया हाउसेस से रिक्वेस्ट करा कि इस शख्स के बारे में कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले या कम से कम अपनी मीडिया हाउसेस तक पहुंचाए कि यह आदमी बदतमीजी कर रहा है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, इन बातों पर टीआरपी नहीं मिलती, तो लोगों ने इन खबरों को कवरेज नहीं दी। तो शुरुआत में जो वीडियो आपने देखा नरेंद्र मोदी जी का अल्लाह के बारे में बात करते हुए, असल उसी के साथ साथ ये भी ट्रेंड हो गया और लोग अनुज को ये समझाने लगे कि कम से कम नरेंद्र मोदी जी से कुछ सीखो कि वो भी अल्लाह के बारे में ऐसी राय नहीं रखते जैसा तुम रखते हो। बाकी कंप्लेन दर्ज की जा चुकी है, आगे देखते हैं पुलिस की एक्शन लेती है। दूसरी खबर दिल्ली वालों के लिए। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं आम आदमी पार्टी चुनाव जीत चुकी है, लेकिन ऑपोजिशन से शायद ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उल्टे पुल्टे बयानात करने लगे। एक बयान और ट्रेंड कर रहा है जहां वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर इस इलेक्शन में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी लड़ते तो जीत जाते, आप खुद सुनिए। मैं तो एक दिन कह रहा था अपने शो में भी कि अगर इमरान खान की पीटीआई यहां चुनाव लड़ने लगे और बोले कि अब से ईएमआई हम देंगे, हालांकि उनके पास पैसे नहीं है, पर मान लीजिए कह दें कहीं और से लोन लेके, तो ये तो पीटीआई भी जीत जाएगी, ये संभव है। सिर्फ यही नहीं, जो साथ में बैठे हुए थे डिबेट करने के लिए वो भी इस बात से राजी हुए, उन्होंने भी कहा कि ये संभव है। आगे वीडियो में बात करेंगे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट को लेकर के जो हल्ला हो रहा है, उसके मुताबिक लोगों ने पहले ही ये ठान लिया है कि वो कागज नहीं दिखाएंगे। इसी तरीके के एक हादसा गाँव में हुआ जहाँ कुछ लोग पहुंचे थे एनपीआर करने के लिए, लेकिन उनके साथ जिस तरीके की बातें हुई आपको आगे वीडियो में दिखाना चाहेंगे कि कैसे उस भाई साहब ने उन आदमियों को बिना अपने कागजात दिखाए, बिना ये बताए कि उनके घर में कौन रहते हैं, और ये भी कह दिया कि हम इसका विरोध कर रहे हैं और वापस भेज दिया एनपीआर करने वालों को। आइए खुद देखते हैं। मेरी बात सुनिए, रजिस्टर्ड नहीं है फिर आए क्यों गांव में, ये बताइए किसके कहने पर आए आप? रजिस्टर्ड हैं? दिखाइए, आप दिखाइए, दिखाइए आप किस तरह रजिस्टर्ड हैं, क्या है ये, पढ़ के बताइए क्या है। प्रधान से? सर कौन सर? ये आए हैं जनगणना करने वाले, ये सारे नाम लिखे हुए हैं, घर में कितने हैं, मोबाइल नंबर, पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, और नौकरी के नाम पे सारा देख सकते हैं आप। 00 दूसरा पेज पलटता हूं, ये देखिए, ये सारे नाम लिखे हैं, मोबाइल नंबर, और टोटल कितने व्यक्ति हैं, पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, और नौकरी के नाम पे 00। इधर देखिए पूरा पेज भरा हुआ है, सारा मोबाइल नंबर है, कितने पुरुष कितने महिला है, नौकरी के नाम पे सब 00। सिर्फ एक मिनट, कौन है? हाँ रुक जाइए रुक जाइए, सर को कहिए अगर ज्यादा दिक्कत, हाँ अभी पूरा हुआ नहीं ना, 3-4 पेज के अंदर नौकरी के नाम पे सबको 00 है, रोजगार तो किसी को दे नहीं पा रहे हैं। मेरी बात सुनिए आप, रोजगार किसी को दे नहीं पा रहे हैं और लाखों लोगों को। हेलो, हाँ जी बोलिए। जनगणना के लिए मेरे गांव में भैया कोई जगह नहीं है, जब तक CAA और NRC पर फैसला नहीं आता तब कोर्ट का 22 जनवरी के बाद ही होगा जो होगा। जबरदस्ती कर नहीं रहे भैया, जबरदस्ती हम लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं कराइए, हम तो डायरेक्ट जी कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक CAA और NRC पर कोई फैसला नहीं आ जाता, सुप्रीम कोर्ट का याचिका दायर है, तब तक भैया हम अपने काम करने नहीं देंगे। जी मेरा नाम मोहम्मद रईस है जी, शंकरपुर का ही निवासी हूँ जी। जी जी, मैं उसके अपोज में हूँ, सपोर्ट में नहीं हूँ। जिस तरह 80% भारतीय नागरिक CAA और NRC के विरोध में है, ये संविधान के खिलाफ है, उसी तरह मैं भी खिलाफ हूँ। ये क्या जनगणना है मैं जानता हूँ भैया, कुल मिला के आप ये समझ लीजिए, जब तक फोन काट दिए कोई मारेगा पीटेगा नहीं, घबराइए मत मेरे भाई, हम अरे मेरे भाई आप गोपी बरनवाल हमारे चाचा हैं, मतलब गांव के हिसाब से, किसी से हमारा कोई झगड़ा लेना देना नहीं है, मैं यहाँ मारने पीटने के लिए आपको कहीं बिठाया हूँ, बस यही सिर्फ इतनी जानकारी लेनी थी। आप बिंदास होकर घर जाइए, अगर रास्ते में कोई कुछ बोलता है तो आप मेरा नंबर लीजिए, किसी को औकात नहीं, आपको हाथ लगा देगा। आप वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।